काम करते, देखिए चलती है, देखिए जैसे हम कागज को काटते हैं अपने हाथ से, देखिए देखिए इसने कट कर दिया, देखिए यहाँ पर इससे आप कपड़ा भी काट सकते हैं, देखिए। और एक इलेक्ट्रिक कैंची है, ये मैंने घर पर बनाई है, इलेक्ट्रिक सीजर बनाकर दिखाने वाला हूँ, मतलब लाइट से चलने मोटर से चलने वाली कैंची वो बनाकर दिखाने वाला हूँ, इससे आप कागज काट सकते हैं। इसके लिए हमें ये चीजें चाहिए, देखिए ये डीसी गियर मोटर, ये 3 वोल्ट से चलती है डीसी गियर मोटर, उसके बाद ये स्टील की पाइप, देखिए उसके बाद ये बैटरी कनेक्टर और 9 वोल्ट की बैटरी, इससे हम इसको चलाएंगे। उसके बाद ये पुश बटन, देखिए जब हम इसे प्रेस करते हैं तभी ये मोटर काम करेगी, मतलब ये सीजर हमारे कंट्रोल में रहेगी, इसलिए मैंने बटन लगाया है। देखिए ये पुश बटन, ये मैंने खराब डीवीडी से निकाला था, ये आपको मार्केट में भी मिल जाएगा, ये आप इसे जो हम एयरफोन में जो होता है ना वो स्विच है। और उसके बाद ये कैप ढक्कन, ऐसे हम इसके अंदर लगाएंगे, देखिए। और एक कैंची, इसको हम इलेक्ट्रिक कैंची बनाएंगे, देखिए ये इसके अंदर के साइज का मैंने बनाया है। देखिए सबसे पहले हमें बोतल का ढक्कन लेना है, देखिए एक गियर मोटर के साइज का ऐसे हमें इसके अंदर एक करना है, ऐसे देखिए होल करना है इसके साइज का, ताकि ये इसको घुमाए कैंची को। उसके बाद यहाँ पर एक सेंटर में इसके बाजू में होल करना है हमें, उसके बाद हमें ऐसा पाइप लगाएंगे, स्टील का पाइप ऐसा, और हमें इसे गियर मोटर पर लगाएंगे, ऐसा हमें करना है, इसे हम फेविक के द्वारा चिपका लेंगे अभी। देखिए हमें इसे ढक्कन के अंदर स्टील के पाइप को चिपका लेना है यहाँ पर फेविक के द्वारा, देखिए ऐसे चिपका लेना है। अब हम गियर मोटर से वायरिंग करेंगे, देखिए ये इसकी नेगेटिव और ये इसकी पॉजिटिव, देखिए यहाँ पर ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये बैटरी कनेक्टर 9 वोल्ट की बैटरी, यहाँ पर हम पॉजिटिव लगाएंगे और यहाँ से पुश बटन लगाएंगे, यहाँ पर एक वायर इसकी और इसे पॉजिटिव के थ्रू जोड़ेंगे, और इस नेगेटिव वायर को नेगेटिव जगह पर हम सोल्ड करेंगे, जैसे हम इस पुश बटन को दबाएंगे तो मोटर चलने लगेगी, इसलिए हम ऐसे वायरिंग करेंगे सोल्डर आयरन से। देखिए ये इसके पॉजिटिव के थ्रू मैंने स्विच लगाया है और ये नेगेटिव यहाँ पर हम लगाएंगे। सर्किट मैंने पूरा कर लिया है, देखिए किस तरह से चलता है, देखिए मैं इसे पुश बटन को चलाता हूँ तो मोटर घूमते, देखिए देखिए देखिए, अब मैं छोड़ता हूँ तो बंद हो गई, देखिए फिर से ऐसे ऐसे घूमनी चाहिए मोटर, देखिए। उसके बाद हम इस कनेक्शन पूरे होने के बाद यहाँ पर बैटरी चिपकाएंगे ग्लू गन से, उसके बाद हम कैंची लगाएंगे इसको, यहाँ पर ग्लू गन से चिपकाएंगे बैटरी को। मैंने मोटर की पीछे की बाजू में बैटरी लगाई, यहाँ पर वायरिंग है आगे की तरफ और पीछे की, यहाँ पर हमें स्विच चिपकाएंगे ग्लू गन से बैटरी, ऑन ऑफ स्विच, पुश स्विच है, पुश वाला स्विच, मैंने पुराने डीवीडी से निकाला, देखिए ऐसे मैंने यहाँ पर चिपका लिया, देखिए ये छोटा पुश बटन, देखिए। उसके बाद हम एक कैंची लेंगे और इस कैंची के अंदर ये आइसक्रीम स्टिक को यहाँ पर चिपकाएंगे ऐसे ग्लू गन से या फेविक से, यहाँ पर देखिए ग्लू गन से या फेविक से, दोनों से भी आप चिपका सकते हैं।
उसके बाद हम इस ढक्कन को इसे इसके रॉड पर लगाएंगे मोटर के शाफ्ट पर, देखिए, और इसे हम ग्लू गन से चिपका लेंगे। देखिए उसके बाद हम इसको कैच लगाएंगे, ग्लू गन से चिपका लेंगे हम इसके अंदर। देखिए उसके बाद हम इसको कैची लगाएंगे ऐसे, देखिए ऐसे हम इसको कैची लगाएंगे, जैसे ये मोटर घूमेगी तो ये कैची ओपन होगी और क्लोज होगी। देखिए यहाँ पर हम बैटरी पर चिपकाएंगे ऐसे ऐसे। इलेक्ट्रिक कैची कैची कापते है, देखिए इलेक्ट्रिक कैची, देखिए इसका लगता है, देखिए देखिए फिर से या कागज भी काट सकते हैं। देखिए ये बड़ा वाला कागज, देखिए ये किस तरह से काटते हैं। देखिए फिर से किस तरह से काटते हैं। देखिए कितने अच्छे से काटते हैं। आप इससे कपड़ा भी काट सकते हैं, छोटा वाला। देखिए किस तरह से काटते है, ये आप अपने घर पर बना सकते हैं। देखिए